आप लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ा? वहां पे क्या प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था? हमें रिफ्यूजी माना जा रहा है, लेकिन एक्चुअली हम रिफ्यूजी नहीं है। हमें वोट देते हो आप लोग? फिलहाल वोट देते हैं हम भी। वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी कार्ड है। तो फिर वो रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं होता? वोट लेने के लिए सरकार है, सरकार का आपने विरोध किया, तो पेमा खांडू ने क्यों नहीं सुना फिर? और मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और अरुणाचल प्रदेश से जो यूथ है वो दिल्ली आके प्रदर्शन दे रहा है, धरना दे रहा है। जो मांग है वो आरपीसी रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट इन लोगों के पास नहीं है। समस्याएं क्या होती हैं वहीं के यूथ से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरुणाचल में कहां से आए? जी मैं चंदन हजोंग दायुन से आया हूं। दायुन से। तो ये बताएं जो आपका ट्राइब कौन सा है? जी मैं हाजोंग से बिलोंग करता हूँ। जी हाजोंग में कितने संख्या होगी, पॉपुलेशन क्या है हाजोंग? फिलहाल तो हाजोंग के पॉपुलेशन उधर 3000 के आसपास है। ओनली 3000? 3000 लोग हैं जिनको समस्या हो रही है। ये मोस्टली ये चकमा इंक्लूडिंग चकमा इन हाजोंग देयर अप्रोक्सीमेटली 65000। तो समस्या क्या हो रही है? समस्या मेन समस्या है ये हमारा आरपीसी रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट। तो ये रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट से मोस्टली हमारे बच्चे ये डिफेंस में जॉब करने के लिए जाते हैं। तो डिफेंस में जॉब करने के लिए जाते समय तो उनको एक प्रमाण पत्र दिखाने पड़ते हैं कि मैं इस जगह से हूँ। तो वही रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जो है अरुणाचल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया गया। मतलब अगर आदमी स्कूलिंग के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहा है तो उसके पास रेजिडेंशियल प्रूफ ही नहीं है। ऐसा क्यों करा है गवर्नमेंट ने? ये तो गवर्नमेंट नहीं जाने जो भी है कि एक्चुअली दे आर थिंकिंग लाइक वी आर रिफ्यूजी। हमें रिफ्यूजी माना जा रहा है, लेकिन एक्चुअली हम रिफ्यूजी नहीं है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही 1964 में विद डेफिनेट प्रॉपर प्लान्स परमानेंटली अरुणाचल में सेटल किया गया। वोट देते हो आप लोग? फिलहाल वोट देते हैं हम भी। वोटर आईडी कार्ड है? वोटर आईडी कार्ड है। तो फिर वो रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं होता? वोट लेने के लिए सरकार है, वोट लेने के बाद आप लोगों के क्यों नहीं कुछ कर रहा है सरकार? कब से समस्या आ रही? ये समस्या तो पहले जो जब नया अरुणाचल में था तब तो हमारा तब सब कुछ मिलता था, सब कुछ जो भी है गवर्नमेंट जॉब सब भी मिलता था। लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज हमसे छीन लिया गया। फर्स्ट रेशन कार्ड, फिर आरपीसी, ऐसा धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया गया। पहले गन लाइसेंस भी हमें दिया जाता था, वो सब भी छीन लिया गया। तो धीरे धीरे एक एक छीनते अभी लास्ट ये है आरपीसी, उसी को छीन रहा है। यूथ अरुणाचल की जो कुल जनसंख्या है वो 14-15 लाख है वहाँ पे, और उसमें से 65000 आप बता रहे हो लोग इससे प्रभावित हैं। क्या करते हैं वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, तमाम लोग हैं, केंद्र में भी आपके यहाँ के किरण रिजिजू जी हैं जो केंद्र में बैठे हुए इस टाइम, क्या करते हैं वो नेता जब अपने घर वालों की ही नहीं सुन रहे? फिलहाल तो हमारे इधर में वो नेता भी हमें सपोर्ट करता है कि नहीं इतना। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिटू आजोंग है। तो ये बताएं, तमाम नेता हैं आपके अरुणाचल के, किरण रिजिजू जी दिल्ली में बैठते हैं, आप लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ा? वहाँ पे क्या प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था? हाँ, हम लोग ये 23rd ये दिसंबर महीना में 30 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला है। 8 दिन तक स्टूडेंट लोग रास्ते पे, मैदान पे चिल्लाते, स्कूल क्लास बंद करके वो हम लोग सरकार का विरोध किया है। पेमा खांडू सरकार का आपने विरोध किया, तो पेमा खांडू ने क्यों नहीं सुना फिर? वो तो सरकार ही जाने, लेकिन हम लोग का साथ, हम लोग हिंदू समाज है, वहाँ में हाजोंग है, तो हम लोग सनातन धर्म को मानने वाला है। इस वजह से नहीं सुन रही है सरकार? मालूम नहीं, वो सरकार का मर्जी है क्या चल रहा है वो लोग का, क्योंकि हम लोग का जो आपने कहा आप सनातनी है, आप हिंदू है, देश के अंदर हिंदूवादी सरकार है, मोदी जी बहुत प्रमोट करते हैं हिंदुओं को, तमाम नेता हैं हिंदू देश के अंदर, तो कैसे देखते हैं सरकार साथ क्यों नहीं दे रही है? पक्के हिंदू नहीं लग रहा है क्या आपको? ना जाने हम लोग को तो अभी क्या बोलेगा, हम लोग को शायद पक्के हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग सनातन धर्म मानने वाला हाजोंग भाई है, तो हम लोग का जो समाज का जो बेसिक राइट है, जो हम लोग एजुकेशन करके कॉलेज में या जो
फौजी में जो हम लोग जाते हैं लड़के लोग यूथ्स लोग, तो वो छोटा सा एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो नहीं मिल पा रहा है, वो हम लोग को दिया नहीं जाता है वहाँ में। कैसे जताएंगे, कैसे बताएंगे कि हम पक्के हिंदू हैं, तभी शायद सुनेगी सरकार। तो वो तो हम कैसे प्रमाण करेगा कि हम लोग हिंदू है, बताओ कैसे बताओगे हम हिंदू। तो हम लोग हिंदू है तो हिंदू है, लेकिन वहाँ में आके देखो हम लोग का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, राम को मानने वाले हैं हम लोग, और राम की सरकार चल रही है। राम की सरकार चल रही है लेकिन हम लोग का समस्या बढ़ रही है, बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। हाँ, बीजेपी तो मोदी जी बोलता है कि किसी का साथ भेदभाव नहीं होगा मेरा राज्य में, सबका साथ सबका विकास कह तो ना है मोदी जी, नहीं हो रहा आपका साथ, आपको साथ नहीं लिया जा रहा, साथ तो भेदभाव बहुत हो रहा है हम लोग, झूठ बोलते हैं मोदी जी, झूठ बोलते हैं शायद, लेकिन हम लोग का साथ न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जब से हम लोग ये हम लोग का पर दादाजी जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, हम लोग 60 ईयर्स हो गया लगभग, तो अभी तक हम लोग को जो बेसिक्स राइट है, जैसे आदमी को जीना चाहिए वैसा हम लोग जीने के लिए मतलब कोई सुविधा नहीं है हम लोग। सौतेला समझा जाता है आपको, सौतेला जैसा व्यवहार करता है, और कोई सरकारी जो राज्य सरकार है कुछ सुविधा देने वाला नहीं है, और अभी भी मतलब भेदभाव कर रहा है। क्या लगता है केंद्र सरकार सुनेगी बात दिल्ली आने से क्या होगा? हमें विश्वास है केंद्र सरकार सुनेगा, इसलिए हम लोग जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन के लिए आया है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि देश के अंदर हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं का राज है, लेकिन अरुणाचल से सनातनी आए हैं, अरुणाचल में सुनवाई नहीं हुई, राजधानी दिल्ली आना पड़ा है, अपनी एग्जिस्टेंस तमाम जो 12वीं के बाद इंसान सोचता अपना फ्यूचर बनाए, सरकारी नौकरी ले, तो ये लोग जो है 65,000 आबादी बता रहे हैं। ट्राइब का नाम क्या बताया आपने? गेटू हाजन। गेटू हाजन ट्राइब है, हिंदू है, सनातनी है, और नौकरी कोई सरकारी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक जो रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट होता है सरकार इनको वही नहीं दे रही है। बड़ी उम्मीद से दिल्ली आए हैं, अब मोदी जी क्या इनको राहत देंगे, या क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सुन नहीं रही। कितने टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे अरुणाचल? हम लोग तो नवंबर से कर रहे हैं, तो दिसंबर 23rd से लेकर हम लोग 30 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला है। हम लोग का स्टूडेंट लोग डेली ये प्रोटेस्ट किया है गवर्नमेंट का खिलाफ, भेदभाव मत करो हम लोग का साथ, क्योंकि हम लोग भी इंसान है, इंसान का जैसा हम लोग को भी जीने दो। जो हम लोग अभी एजुकेशन करके क्लास 12 जब हम लोग क्रॉस करेगा कॉलेज में जाएगा तो रेसिडेंटल प्रूफ सर्टिफिकेट मांगता है, तो हम लोग कहाँ से देगा अगर गवर्नमेंट ये करेगा। बड़ी बेसिक सी इनकी समस्या है, और तमाम 65,000 जो लोग हैं उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है।